गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। तो देखो, सातवीं कक्षा के स्टूडेंट, मैंने सबसे पहली इकाई के 6 लेसन पढ़ाए हैं और 7वां लेसन का पूर्वार्ध भी मैंने आपको पढ़ाया। जैसे कि लेसन का नाम है जहा चाह वाह राह, यानी कि मराठी में इच्छा से अंतर मार्ग दिशे। तो ये जो लेसन है वो छोटे छोटे आपके जैसे छोटे छोटे बच्चों ने जो होनी को अनहोनी को होनी करके दिखाया, मतलब कोई किसी को समझ में नहीं आया था कि ये बच्चे कितने, मतलब बच्चे अब्सेंट रहते थे ये नाले की वजह से, पानी बहुत आता था वहाँ में, तो किसी के मन में नहीं आता था। लेकिन बच्चों ने क्या किया, बरगद के पेड़ के नीचे एक मीटिंग आयोजित किया और वो मीटिंग में बैठे सब एक दूसरे से बातें करते थे, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन सोच देखो उनकी, तो बातें करते रहते थे और बातें करते करते एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे कि क्या हम क्या कर सकते हैं। कोई बच्चे बोलते अरे हम कर ही नहीं क्या, हम तो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग बड़े लोगों को वो मतलब सूझ नहीं रहा था, तो वो मतलब बच्चे क्या करेंगे। तो इसलिए सभी बच्चे यहाँ पे बैठे थे, एक दूसरे से बातें करते थे और बातों का जो विषय था वो स्कूल में आने के लिए जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वो जो नाला था हर साल पानी भरा जाता था उसमें 4-5 फीट तक, तो जाने आने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए ये सोच चल रही थी। ये पूर्वार्ध में मैंने आपको पढ़ाया। तुषार और ये जो 4-5 जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। बातचीत कहाँ पे कर रहे थे, बरगद के पेड़ के नीचे, और एक दूसरे से हंस भी रहे थे क्योंकि अरे तू क्या करेगा। जैसे कि आप जैसे आप भी जैसे बच्चे बच्चे हैं, बूट से जब बातें करते हैं कई जगह पे बैठते और ग्रुप में जो बातें करते हैं तो किसी एक दूसरे के ऊपर हंसी भी आती है और कोई सच में अच्छी भी बातें करते हैं। तो वही बच्चे जैसे बातें कर रहे थे, वो कह रहे, तुषार कहता है कि सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर बच्चा वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अरे हम क्या कर सकेंगे, हंसो मत, कौन बोला, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। और सभी बच्चे हंसने के बाद आए, हंसो मत, करेंगे तो हम भी कर सकते हैं, उसमें क्या। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था, दामिनी नाम की लड़की थी, उसका स्वर था कि हंसो मत, क्या हम नहीं कर सकते कुछ, हम भी कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हर समस्या का निदान संभव है, प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो ये जो कहावत है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये कब, जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, जब आप उसमें डेडिकेट होंगे तब ही ये सही है। अगर विचार ही करते बैठेंगे नहीं मुझे वो मतलब, ये समझो कि कोई बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है, अंग्रेजी, तो उसके मन में क्या चलता है, नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं आएगी, मैं पढ़ूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आएगा, तो इस विषय से वो लोग क्या होते हैं, दूरी दूर चले जाते हैं। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी थी। ये सभी बच्चे हंस रहे थे लेकिन दामिनी पॉजिटिवली विचार कर रही थी। दामिनी कहती है कि नहीं, अरे हम हंसेंगे क्या, ये जो है विचार करने की बात है कि हम कुछ कर नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो कहती है। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। देखो उसमें एक ही बच्चा था वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला, तो उनकी बातों का असर सभी बच्चों की सभी दल पर उसका असर पड़ा और माहौल चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, हंसी का जो माहौल था वो चेंज हो गया। क्या हुआ, उसमें हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा, हल मिल गया, मतलब हल मिल गया यानी कि कुछ उसमें से कुछ निकला, कुछ मिला उसको। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था क्योंकि एक बच्चे ने पॉजिटिव विचार किया तो सभी बच्चे उसको क्या दोहराते हैं, सभी बच्चे के ऊपर असर होता है। दामिनी ने पहले शुरू किया तो उसके बाद आशीष भी की आंखों में भी चमक आने लगी, अरे हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम बच्चे हो गए तो क्या होगा। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था, कैसे, सबने एक साथ पूछा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। सभी बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम नाले पर पुल बनाएंगे, पुल, बाकी पूछा अरे पुल बनाएंगे कैसे, बनाएंगे आपके पास है ये क्या। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भाप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है, जब कभी शहर
शहर में है बड़े बड़े पुल देखे भी है, अंतरजाल में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। नाना छोटा था वो, 10 फीट का ही पुल बनाना चाहिए था उसके लिए। लेकिन बच्चों की सोच देखो, बच्चे कौन सी राह में सोच करते हैं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह इसम्बा गांव में फैल गया। पुल बनाने का ये विचार जो है आग की तरह, आग जैसी यहाँ वहाँ एक जगह पे लगे तो यहाँ वहाँ घूम जाती है। वैसे ये बच्चों के विचार सभी लोगों के काम में पड़े। और जो बुजुर्ग और जो लोग थे, बड़े जो लोग थे, वो लोग भी मतलब बच्चे की राह सोचने लगे। बच्चे मतलब ये इतने बड़े विचार कर सकते हैं तो नागरिक क्यों ना कर सकेंगे। तो ये फैल गया, सब विचार फैल गया इस समाज में। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहे थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि ये प्रकल्प बनाने के लिए, यानी कि ये छोटा सा ब्रिज बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये बच्चे सोचने लगे। सामग्री जमा करने के लिए शुरुआत की। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले इस बनाने के लिए क्या, सबसे पहले क्या लगेगा, कुछ ना कुछ रुपया लगेगा, यानी पैसा लगेगा। तो सभी बच्चों ने क्या किया, खुद बच्चों ने यहाँ पे पैसा जमाने के लिए शुरुआत की। और पैसा जमाते जमाते वो लोग बच्चे जो है गांव में भी घूमे। गांव में इसमें लोगों ने अच्छे उसको क्या किया, प्रतिसाद दिया। और जो टीचर लोग जो थे, वो टीचर लोगों ने भी उसको सहायता की। सभी लोगों ने सहायता की। राशि जितनी चाहिए थी, राशि यानी कि पैसा जितना चाहिए था, वो उतना पैसा इकट्ठा हो चुका। और वो जो उसको सामग्री जो लगी थी, सामग्री के लिए जितना पैसा लगेगा उतना पैसा मिल गया था उसको। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकर लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। देखो ये कोई सोच नहीं रहा था, लेकिन बच्चों ने ये सोच निकाली, बच्चों ने ये सब कुछ किया। राशि किसने जमा की, बच्चों ने की। बाद में सभी लोगों ने उसको सहायता की, टीचर लोगों ने की, गांव के लोगों ने की। और इतनी राशि जमा हुई कि वो सब कुछ जो खरीदना चाहिए थे, सभी बंजर और ईंट सीमेंट जो भी कुछ लगता है उसके लिए, पाइप सीमेंट के पाइप, ये सब कुछ लेने के लिए सभी लोग आगे आए। और एक 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 सब चल रहा था उस गांव में। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाइयां दूर हुई। केवल 15 ही दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनाकर तैयार हो चुका था। देखो बच्चे, ग्रामीण लोग जो थे वो सभी लोग, और श्रमदान यानी कि कुछ लेना देना नहीं, सभी लोगों ने वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हुए। और 15 ही दिन में, इतने दिनों से चल रही जो समस्या थी उसका हल 15 ही दिनों में तैयार हो चुका। और पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझाया था। ये तीनों जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है, एकता, संगठन और श्रमदान, ये तीनों इकट्ठा हो चुके थे उस गांव में, इसम्बा गांव में। तो उस नाले पे उन्होंने क्या किया, ब्रिज बनाया। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की तरफ जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन में ही मन कह रहा था, जहाँ जहाँ वाह राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। देखो एक बच्चे ने तो उसका जो वृत्तांत है, पूरे पुल बनाने की जो मतलब वृत्तांत था, वो वृत्तांत भी उन्होंने कंप्यूटर के जरिए बनाया और अपने स्कूल में भेजा और सभी जगह पे वो क्या किया, बताया गया। तो ये सभी जो है बच्चों की सहायता से, बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले इसमें उमंग तैयार हुई, बच्चों में तैयार हुई। बुजुर्ग लोग जो थे, ग्रामीण लोग जो थे, उनके सोच में नहीं आया, लेकिन बच्चों ने करके दिखाया। ये सभी जो महत्व जो है बच्चों के ऊपर है, क्योंकि बच्चों ने ये कर किया है, तो इसीलिए बच्चों की सोच जो रहती है अलग अलग तरीके की सोच रहती है। ऐसे बुद्धिमानी बच्चे, आपके जैसे ऐसे बुद्धिमानी बच्चे मतलब समाज में दिखाई देते हैं, और ये बच्चे सब कुछ करके दिखाई देते हैं।
बच्चों ने इस लेसन में क्या कहा कि इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल, आपण मराठीत म्हणतो ना, जर इच्छा नसेल तर मार्ग दिसणार नाही, ओके नाही, वैसे ही बच्चों ने करके दिखाया, जहां चाह है यानी कि जहां आप मतलब कर सकेंगे तो हो सकता है, अगर करने का कोई नाम भी नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इस लेसन में आपको ये समझ मिलती है, ये ज्ञान मिलता है कि बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके जैसे होशियार बच्चे जो रहते हैं सब कुछ करके दिखाते हैं, उसको सहायता भी मिल गई, टीचर लोगों ने भी सहायता की, गांव के सभी नागरिकों ने, परिजनों ने, सभी लोगों ने सहायता की, श्रमदान संगठन ये सब कुछ गुण वहाँ पे दिखाई दे, और ये यशंबा गांव के नालों के ऊपर एक ब्रिज तैयार हुआ, सभी लोगों की परेशानियाँ दूर हुई। यहाँ पे ये लेसन खत्म हो चुका है, उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं वो आप नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखने का है, उसके ऊपर मैं एक टेस्ट भी देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।